आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा पर अफवाह फैलाने के आरोप में योगी सरकार ने FIR दर्ज करवाई है। राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा था कि उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों को पुलिस डंडे मारकर भगा रही है, जबकि हकीकत ये है कि दिल्ली में अफवाह फैलाकर दिहाड़ी मजदूरों को आनंद विहार बस अड्डे की तरफ ले जाने दिया गया। इस काम में DTC की बसें लगाई गईं, हजारों मजदूरों को बसों के सहारे बस अड्डे भेजा गया। हालात बिगड़ता देख उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने UP रोडवेज की 1000 बसें चलवाई ताकि हालातों को काबू में किया जा सके, लेकिन राघव चड्ढा ने इन बातों को नजरअंदाज कर यूपी पुलिस पर ही आरोप लगा दिए। असल में केजरीवाल और उनके नेताओं को अपनी गलती छिपाने और दूसरों पर बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत पुरानी है। इस चक्कर में राघव चड्ढा बुरे फंसे। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट से निपटने के इंतजामों को लेकर दावे तो बहुत किए। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए दिहाड़ी मजदूरों को भरपेट खाने और रहने के इंतजामों को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन केजरीवाल सरकार के इंतजामों की पोल तब खुल गई जब हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर दिल्ली के बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। हजारों की भीड़ दिल्ली UP सीमा पर लग गई। आनंद विहार बस अड्डे की तस्वीरें ये साबित करने के लिए काफी हैं कि केजरीवाल की सरकार इन मजदूरों के रहने और खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, जब मजदूरों की भीड़ बस अड्डे की तरफ बढ़ने लगी तो DTC की बसों में भरकर लोगों को केजरीवाल सरकार ने वहां तक पहुंचा दिया। इन मजदूरों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। मनीष सिसोदिया खाना पूर्ति करने के लिए आनंद विहार बस अड्डा गए और ये कहते हुए लौट आए कि मजदूरों का इमोशनल मामला है। सवाल यह है कि कोरोना जैसी महामारी से सिर्फ इमोशनल मामला कहकर क्या टाला जा सकता है। माना यह जा रहा है कि केजरीवाल सरकार की कोशिश किसी भी तरह प्रवासी मजदूरों से पीछा छुड़ाने की है। कुछ महीने पहले भी केजरीवाल ने कहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग टिफिन में भरकर आते हैं और 5 लाख का मुफ्त में इलाज कराकर चले जाते हैं, और इसी से केजरीवाल की उस मानसिकता का पता चलता है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर उनकी सोच क्या है। राघव चड्ढा का ट्वीट केजरीवाल की उसी मानसिकता को साबित करता है। चड्ढा के खिलाफ नोएडा पुलिस ने IPC और IT एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। राघव चड्ढा ने ट्वीट कर अफवाह फैलाई थी कि उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले लोगों को पुलिस डंडा मारकर खदेड़ रही है। राघव चड्ढा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली से पलायन करके यूपी जा रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पिटवा रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि योगी जी बोल रहे हैं कि तुम लोग मजदूर यानी दिल्ली क्यों गए थे, अब तुम लोगों को कभी दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि चौतरफा गिरने के बाद उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत पटेल ने राघव चड्ढा के खिलाफ नोएडा पुलिस को तहरीर दी थी। प्रशांत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि राघव चड्ढा के ट्वीट से प्रदेश में ऐसे समय में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है जब पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है। प्रशांत की तहरीर पर नोएडा पुलिस ने राघव चड्ढा के खिलाफ IPC की 500A, 505 और IT एक्ट की धारा 66 के तहत केस दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।